हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल बीसी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका की विवेचना करें या तो फिर यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकता है, भारत में लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का वर्णन करें, है ना। भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका का वर्णन करें। किसी भी तरीका से अगर आपको क्वेश्चन चेंज करके देता है जिसमें से प्रेस के बारे में बोले चाहे मीडिया के बारे में बोले, बात एक ही पड़ता है। मीडिया के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे। प्रेस का मतलब वही जो प्रिंटिंग होता है, जैसे अखबार वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम लोग प्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर जो मीडिया है, प्रेस है, ये सब चीज़ें, ठीक है, वो कैसे हमारे भारतीय लोकतंत्र में भूमिका निभाता है, हमारे भारत को इतना बढ़िया से सुव्यवस्थित करने में, हर एक समस्या को सॉल्व करने में, अगर कोई नेता गलत करता है तो उसको गलत दिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर वो नेता या तो जेल जाते हैं या तो फिर अच्छे काम करते हैं। तो ये सब चीज़ों में हमारा प्रेस की, मीडिया की बहुत सारा भूमिका होती है, ठीक है। तो उसी के बारे में क्या करना है हमें बताना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आते हैं भूमिका की ओर, ठीक है। तो प्रेस के आविष्कार से सामान्य जनता सरकार की गतिविधियों से अवगत होती रही है। देखो, प्रेस के आविष्कार से, जैसे ही प्रेस का आविष्कार हुआ, ठीक है, इससे सामान्य जनता सरकार की गतिविधियों से अवगत होती रही, मतलब सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, सरकार के हर एक गतिविधियों से जनता लोग क्या होते रहा, अवगत होते रहा, उनका हर कुछ सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, इसका जानकारियां मिलती रही, ठीक है। इस प्रकार प्रेस वह माध्यम बना जिससे राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रेस वह माध्यम बना जिससे राजनीतिक चेतना, मतलब राजनीति के बारे में ज्ञान बढ़ा, चेतना हुआ, चेतना का प्रसार हुआ, प्रसार मतलब फैला, है ना, राजनीति के बारे में सभी लोगों के पास ज्ञान हुआ, क्या हुआ, फैला, किसके माध्यम से, तो प्रेस के माध्यम से, ठीक है। लोकतंत्र में कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है, न्यायपालिका होती है, आप सभी को पता है हमारे देश को चलाने के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ मीडिया को चौथा स्तंभ भी कहा गया है। तीन स्तंभ तो आपका कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका हो गया, ठीक है, लेकिन मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया है और यह लोकतंत्र का प्रहरी है। मतलब जो मीडिया है ना, जिसको हम लोग प्रेस बोल रहे हैं, वो हमारा क्या है पता, लोकतंत्र का प्रहरी है। लोकतंत्र का प्रहरी का कहने का मतलब हुआ कि लोकतंत्र का रक्षक है, लोकतंत्र को रक्षा करके रखता है, लोकतंत्र हमारा जो देश है उसको बर्बाद होने से रोकता है, सही ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, गलत के लिए क्या करता है, कदम उठाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेस या तो फिर मीडिया। अब बात करते हैं मीडिया का शाब्दिक अर्थ, कि मीडिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। तो मीडिया का शाब्दिक अर्थ माध्यम होता है, मतलब कोई भी चीज़ों को एक माध्यम से दूसरे जगह पहुंचाना, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जो पहुंचाया जाता हो वो माध्यम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया बोलते हैं। मीडिया का शाब्दिक अर्थ है माध्यम, वह माध्यम जो जानकारी जनमानस तक पहुंचाता है, यानी कि लोगों तक क्या करता है, हर एक लोग छोटे से बड़े तबकों तक क्या करते हैं, पहुँचाते हैं, है ना। मीडिया क्या एक माध्यम है जो क्या करते हैं, जानकारियों को एक लोगों से लेकर के दूसरे लोगों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। अर्थात मीडिया वह माध्यम है जिसकी सहायता से कोई सूचना, संदेश या अपने विचारों को अन्य लोगों तक पहुंचाया जाता है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो पहुंचाया जाता है उसी माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिया कहते हैं। मीडिया प्रिंट मीडिया हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है, रेडियो मीडिया हो सकता है, मोबाइल के द्वारा हम लोग पहुँचा सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा पहुँचा सकते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा पहुँचा सकते हैं, ये सब मीडिया है। हम लोग जो अपने मोबाइल में वीडियो बना लेते हैं, कोई गलत करता है एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर देता है, क्या ये मीडिया नहीं है, ये मीडिया है, ठीक है। रेडियो मीडिया, टेलीविज़न मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब क्या मीडिया है, ठीक है। तो आप लोग जब आप पेपर में लिखोगे ना, तो इस प्रकार से भी आप लोग डायग्राम बना देना ताकि पेज का ज़्यादा भरे और उसको देखने में अच्छा लगे और एग्जामिनर आपको मार्क्स भी दें, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार का डायग्राम बनाना, लिखना मीडिया के प्रकार, रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्डिंग, इंटरनेट, मोबाइल, प्रिंटिंग मीडिया, सब हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीडिया के प्रकार। अगर हम दूसरे शब्दों में मीडिया का कार्य, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो मीडिया का कार्य सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना होता है, कि सरकार कौन कौन सा नीति को ला रही है, क्या कर रही है, हर एक उनके नीति को जनता तक पहुंचाना और सरकार को जनता की आवश्यकताओं तथा सरकारी नीतियों की प्रतिक्रिया से अवगत कराना रहा। उसके बाद क्या, सरकार को जनता की आवश्यकता, कि जनता का क्या आवश्यकता है, तथा सरकारी नीतियों की प्रतिक्रिया से अवगत कराना है, कि सरकार का कौन कौन सा नीति है, उस सभी से जनता को क्या कराना, अवगत कराना, ठीक है। मीडिया कई तरह से हमें प्रभावित करता है, मीडिया हमें बहुत तरीक़ा से प्रभावित करते हैं, कैसे, वह हमें ताज़ा खबर बताते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उस चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है।
तथा अनेक सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर भी राय बनाने में हमारी मदद करती है कि कौन सा राजनीतिक मुद्दा क्या चल रहा है, ठीक है, कौन सा समाज में क्या चीज़ें चल रहा है, ये सब के बारे में हमें क्या करती है, मीडिया बताने का प्रयास करती है। तो ये हम लोगों ने एक भूमिका देखा मीडिया के बारे में, प्रेस के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, कि हमारा देश इतना सा बड़ा, अपना ही देश का ले लेते हैं, ठीक है, कि भारत एक इतना बड़ा सा देश है, लोकतंत्र है, इतना बड़ा देश को चलाना भी कोई आसान नहीं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जाति धर्म लोग रहते हैं, कोई भी गलत काम करता है तो वहाँ पे आवाज़ उठने लगता है, तो हर एक चीज़ों को बैलेंस बना करके चलना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इतना बड़ा जो हमारा एक लोकतंत्र देश है, इसमें मीडिया कैसे अपना भूमिका निभाती है, हर एक गलत कार्यों को कैसे मीडिया रोकती है, जहाँ किसी के साथ कोई समस्या होता है तो वहाँ पे मीडिया कैसे उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करती है, सरकार की बातों को कैसे जनता तक पहुँचाते हैं, जनता की बातों को कैसे सरकार तक पहुँचाते हैं, ये सब चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र में मीडिया की निम्नलिखित भूमिका है, देखते हैं कौन कौन सा भूमिका है। पहला देखो, लोकतंत्र मीडिया अति महत्वपूर्ण है, जो लोकतंत्र मीडिया वो अति महत्वपूर्ण है। मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी कहा गया, प्रहरी मतलब रक्षक, कि ये लोकतंत्र को रक्षा करने वाला ही मीडिया है, लोकतंत्र को बचा करके चलती है कौन, मीडिया। अगर मीडिया नहीं होती तो आज हमारा देश में बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता, तो इसलिए मीडिया को रक्षक कहा गया, कि मीडिया ही देश को बचा सकता है, यानी कि किसी भी राष्ट्र को बचा सकता है। अब देखो, प्रहरी का मतलब होता है निगरानी रखना, निगरानी करना, निगरानी करते रहते हैं कि कहाँ गलत हो रहा है वो भी दिखाते हैं, कहाँ सही हो रहे हैं वो भी दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह सरकार के सभी कामों की समीक्षा करता है ना। मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि वह हर सरकार के सभी कामों को क्या करती है, समीक्षा करती है, जनता के आसपास हो रही सभी प्रकार की गतिविधियों के बारे में मीडिया उन्हें सूचित करता है। मतलब जनता के आसपास क्या हो रही है, नहीं हो रहा, कौन सा गतिविधि है, क्या सरकार की नीतियों से जनता खुश है या नहीं है, क्या वो कहीं आंदोलन तो नहीं कर रहे हैं, या तो फिर किसी भी तरीका से कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं, ये सब चीज़ों को क्या करते हैं, मीडिया उन्हें दिखाते हैं। नेक्स्ट, मीडिया तीसरा पॉइंट, मीडिया व्यवस्था के प्रति आलोचनात्मक रवैया रखता है। देखो, मीडिया हमेशा कोई भी व्यवस्था होता है ना, तो आलोचनात्मक रवैया रखता है, मतलब एक नेगेटिव तरीके से देखें तो मीडिया हमेशा आप लोगों को क्या करेगा, गलत ही दिखाने का प्रयास करेगी। गलत का मतलब ये होगा कि सरकार को काम कर रही है, तो मीडिया ये चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों का आलोचना करें, बुराई करें, ताकि सरकार और बेटर से बेटर कर सके, ठीक है। वह व्यवस्था और समाज की खामियों को उजागर करता है, जो व्यवस्था होती है, जो व्यवस्था चल रहा है समाज में, जो चीज़ें हैं उस व्यवस्था को और समाज की खामियों, जो खामियाँ रहता है, कमी रहता है उसमें, उसको उजागर करती है, उसको दिखाती है, उसको ऊपर लाती है, उसको ट्रेंडिंग करती है, ठीक है, जिससे लोकतंत्र मजबूत बनता है। मीडिया एक निष्पक्ष संस्था होती है, मीडिया एक संस्था होती है, संस्था मतलब जहाँ पे कुछ लोग मिल करके काम करते हैं, समाज के लिए हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मीडिया भी क्या होती है, एक निष्पक्ष यानी कि अच्छे रूप से कार्य करने वाली एक संस्था होती है, जो अपने कार्य द्वारा एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण करती है, जो अपने वो मीडिया क्या करती है, अपने कार्य के द्वारा मजबूत व्यवस्था का उत्पन्न करती है, मजबूत व्यवस्था का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, मीडिया जनता, जो मीडिया है ना, वो जनता और सरकार के बीच एक माध्यम है। मीडिया जो है वो सरकार और जनता के बीच क्या है, एक माध्यम है। वह जनता और सरकार के बीच संवाद का माध्यम बनता है, संवाद मतलब एक दूसरे से बात कराता है। तो देखो, जनता और सरकार एक दूसरे से सामने रह करके तो बात नहीं कर सकती है, लेकिन मीडिया के द्वारा हम लोग सरकार और जनता से माध्यम के हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग देखते होंगे अभी मोदी सरकार है, मोदी सरकार मान लो कि कुछ लोग हैं, ठीक है, अगर मोदी सरकार कहीं मिलने के लिए गए हैं और अगर वो देखते हैं कि वो कुर्सी पर ना बैठकर के एक मजदूर के साथ बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, सामान्य तबके के लोगों के साथ बैठे हुए हैं, तो वहीं से हमारा कनेक्शन उनके साथ और भी बढ़ जाता है। हाँ, बहुत अच्छे हैं तो हमारे पास तो नहीं आए, ठीक है, लेकिन ये किसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलाने का काम भी कौन करती है, मीडिया करती है। हमारे दिल में जगह मीडिया बनाती है, ठीक है, अगर वो अच्छे काम कर रहे तो अच्छे के लिए जगह होगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा के लिए जगह होगा। तो समाज का मतलब होता है बात करना, तो भले हम बात सामने टू सामने नहीं करते, लेकिन मीडिया हमारे और सरकार के द्वारा बात करवाती है। नेक्स्ट, अगर देश का मीडिया लिखने और बोलने में स्वतंत्र है, अगर किसी भी देश का मीडिया कोई भी चीज़ को अगर गलत हो रहा है तो गलत और सही हो रहा है तो सही, अगर लिखने और बोलने में स्वतंत्र है, तो ऐसी व्यवस्था को सही मायने में लोकतंत्र कहा जा सकता है। बिल्कुल सही बोला, अगर मीडिया स्वतंत्र है, कोई उस पर रोक टोक नहीं कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ का लोकतंत्र बिल्कुल मजबूत है। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की रक्षा करना भी मीडिया का काम है। देखो, मीडिया का एक और काम क्या है कि स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की रक्षा करना, यानी कि स्वतंत्रता को रक्षा करना, इसलिए तो मीडिया को कहा गया है प्रहरी यानी कि रक्षक, लोकतंत्र का रक्षा, किसी भी देश का रक्षा करने वाला मीडिया को कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
इसका कद किसी भी राजनेताओं से कम नहीं है। अगर कोई राजनेता आप लोग देखते हो, कोई नेता बन गया, ठीक है, तो उसका तो आप लोग देखते हैं क्या एटीट्यूड रहता है, ठीक है। तो लोकतंत्र का यानी मीडिया का भी लोकतंत्र में राजनेता से कोई पद कम नहीं है। जितना राजनेता को अधिकार है उससे कहीं बढ़ करके हमारे मीडिया वाले के पास अधिकार होते हैं कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। इससे लोकतंत्र का सही मायने में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब पत्रकार अच्छी तरीके से प्रशिक्षण होते हैं, यानी पत्रकार जो करते हैं वो अच्छी रूप से प्रशिक्षित होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे रहते हैं, उसके पास अच्छे ज्ञान होते हैं और उसके पास सूचना के विश्वसनीय स्रोत होते हैं कि कोई भी सूचना जहाँ पे अभी गए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, ठीक है, उसके बारे में वो अच्छे से पढ़े लिखे हों, उसके बारे में अच्छे से उसके पास ज्ञान हो, उसके पास उस सूचना की विश्वसनीय यानी कि सही चीज़ें दिखाने के लिए उसके पास स्रोत हो। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया और उसको उस चीज़ का प्रमाण उसके पास है ही नहीं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रेस सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा किए गए गलत कार्यों को जाँच करने में सक्षम हो जाते हैं। अगर मीडिया के पास हर एक चीज़ प्रूफ है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा जो गलत कार्य किए जाते हैं ना उसको जांच करने में मीडिया वाले क्या करते हैं, सक्षम हो जाते हैं। और जो मीडिया वाले देखते होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होते, जिसके पास ज़्यादा चीज़ें ज्ञान नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो सरकार के हर एक गलती कार्य को नहीं दिखा पाते हैं, उसको नीचे से टटोल करके ऊपर नहीं ला पाते हैं। लेकिन जिसके पास अधिक ज्ञान होते हैं, ठीक है, वो उस सरकार के हर एक गलत कार्यों को टटोलते हैं, ठीक है, तो वही बताया गया। नेक्स्ट, दुनिया में मौजूद कठोर तथ्यों और वास्तविकता को सबके सामने लाने में मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। नेक्स्ट है, वे अपराधियों और गलत काम करने वाले को मदद करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि न्याय मिले, है ना। यानी क्या करते हैं, वे अधिकारियों और गलत काम करने वाले को मदद करते हैं, यानी जो कोई अपराधी है और गलत काम करते हैं तो सभी को मदद करता है, गलत वालों को गलत तरीक़े से और अच्छे वालों को अच्छा तरीक़े से, और सुनिश्चित करते हैं कि इसे न्याय मिले। अगर गलत किया तो गलत का न्याय और सही किया तो सही का न्याय। नेक्स्ट है, मीडिया के लोग हमारे समाज में आधुनिक समस्या की पहचान करने और उन्हें सक्रिय रूप से खत्म करने की दिशा में काम करने में प्रमुख योगदान देते हैं, ठीक है। यानी कि मीडिया के लोग जो होते हैं ना, हमारे समाज में आधुनिक समस्या यानी कि अभी के समय, आधुनिक मतलब जो अभी के समय में, ठीक है, कौन सी समस्या होता है उसको पहचानने में भी मीडिया वाले क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उन्हें सक्रिय रूप से कैसे खत्म किया जा सकता है उसकी दिशा में भी क्या करता है, प्रमुख योगदान देते हैं। जैसे अभी आ गया था ये कोरोना, तो कोरोना में भी मीडिया वाले ने बताया कि इससे हमें कैसे बचना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। तो ये बहुत बड़ा योगदान भी देते हैं हर एक समस्या को सही करने के लिए। नेक्स्ट है, मीडिया की बदौलत अब राजनीतिक दलों के पास बड़ी संख्या में लोगों से संपर्क करने और उन्हें नीतियों से लेकर चुनावों तक महत्वपूर्ण मामलों पर सुनिश्चित करने की क्षमता है। देखो, मीडियम की जो मीडिया है ना, इसी के बदौलत अब क्या हो चुका पता है, राजनीतिक दल के पास एक बड़ी संख्या में लोग संपर्क करने का मौका होता है। अब क्या करते हैं, जितने भी सारे राजनेता लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है, मीडिया के माध्यम से ही एक बड़ी संख्या में लोगों से अपना वोट पा लेते हैं, अपना मत पा लेते हैं, चाहे तो अपना मत खो भी देते हैं, ठीक है। अपने नीति से लेकर के नियम कानून से बनाने से लेकर के चुनाव प्रक्रिया तक भी मीडिया का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर सरकार अच्छी कर रही है तो मीडिया वाले अच्छे दिखाएंगे, तो जनता उसे वोट देंगे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जनसंख्या में जनता को अपने और कर लेंगे। अगर गलत काम कर रहे हैं तो जनता उसे विरोध करेंगे, तो इस सब का काम कौन कर रहा है, मीडिया के माध्यम से ही हो रही है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट किस पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।